हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको स्वागत है इस व्लॉग में। तो मैं अभी आपको एक अच्छी सी एक मतलब राम का कथा मतलब मेरी मम्मी ने गाया है राम के बारे में। कृष्ण, राम, नारायण एक ही होते हैं, तो उनके बारे में मेरी मम्मी ने मतलब बताया है। और आप चलो आप ज़रूर देखना उसको और फिर चलते हैं। जय श्री राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं भगवान श्री रामचरित्र मानस का दो चार लाइनें गा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना दोस्तों, फिर से मैं दोबारा लेके आऊँगी। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सही समाप्ति की, परंतु राम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। जय सीताराम, जय सीताराम। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडवत वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव व विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोग और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। जय सीताराम। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। जय सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से ही उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निगुण ब्रह्मा और सगुण नाम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से सुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जप से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रसाद भक्त शिरोमणि हो गए। जय सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। ध्रुव जी ने ग्लानि से
ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में रख कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम जी भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निष्कृत तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुगी की भी बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों गुरु लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे नेत्रा युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। पर लोक का परम हितेशी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात पर लोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से भी, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुरु का वर्णन करती हूँ। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम। बोलो जय जय श्री राम। गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताना और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करना। जय जय श्री राधे राधे।